सृष्टि आरंभ में दो परस्पर विरोधी सभ्यताओं का जन्म हुआ, जिन्हें हम सुर व असुर नाम से जानते हैं। इन दोनों सभ्यताओं के कर्म तथा स्वभाव परस्पर विरोधी होने के कारण समय समय पर युद्ध होते रहते हैं। इतिहास में जो सबसे पहला युद्ध हुआ उसे हम देवासुर संग्राम नाम से जानते हैं। यह युद्ध सतयुग कालीन माना जाता है, परंतु इस युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी किसी भी धर्म ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है। केवल कुछ युद्ध प्रसंग मात्र ही धर्म ग्रंथों में वर्णित पाए जाते हैं, जैसे कैकेयी के तीन वरदान जो राजा दशरथ से मांगना बाकी थे, महाभारत में काल यवन व मुचकुंद का प्रसंग तथा समुद्र मंथन की घटना, यह सब देवासुर संग्राम से जुड़े हुए प्रसंग माने जाते हैं। प्राचीन समय में हस्तलिपियों का विकास बहुत बाद में होने के कारण बहुत ही ऐतिहासिक घटनाएं विलुप्त हो गईं। परिणाम स्वरूप बहुत से लोग हिंदू धर्म ग्रंथों पर संदेह करते हुए कह देते हैं कि यह सब झूठ है। कोई रामायण को काल्पनिक कहता है तो कोई महाभारत। हिंदू धर्म ग्रंथों पर सवाल उठाने वालों में ज्यादातर नास्तिक या वामपंथी होते हैं, और अल्प संख्या में वह लोग भी हैं जो आस्तिक तो हैं परंतु धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते। इस कारण उन्हें धर्म ग्रंथों की सही जानकारी नहीं होती और वह अधर्मियों के सवाल का जवाब नहीं दे पाते। परिणाम स्वरूप वह भी अधर्मियों की बातों में आ जाते हैं। देवासुर संग्राम के बाद देवता और असुरों में बहुत से युद्ध हुए, जिसमें राम रावण युद्ध भी आता है, परंतु महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, जो एक ही परिवार के सदस्यों के बीच लड़ा गया। कहते हैं कि महाभारत जैसा युद्ध ना तो पहले कभी हुआ था और ना ही भविष्य में कभी होगा। महाभारत को लेकर भी तमाम लोग इसके प्रमाण मांगते हैं और कहते हैं कि भगवान कृष्ण भी कल्पना है। खैर, ऐसे लोगों को तो कभी जवाब और प्रमाण नहीं दिए जा सकते। पिछले वीडियोस में हम आपको महाभारत से जुड़े बहुत से प्रमाणों से अवगत करा चुके हैं। इस वीडियो में हम महाभारत से जुड़े तीन और प्रमाणों के विषय में बात करने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। तो चलिए आते हैं पहले नंबर पर, जिसका नाम है ज्योतिसर तीर्थ। कुरुक्षेत्र से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ज्योतिसर तीर्थ, जहां पर महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अब चलिए इसका प्रमाण भी जान लेते हैं। यह बात है सन 1955 की, जब कुरुक्षेत्र के ब्राह्मणों की एक रजिस्टर्ड संस्था ने यह घोषणा की कि शास्त्रानुसार जो विद्वान गीता उपदेश का निश्चित स्थान बताएगा उसे 10,000 रुपए इनाम दिए जाएंगे। जबकि कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध हस्तियों में शामिल लाला दयाली राम ने सन 1923 में एक सभा में कहा था कि ज्योतिसर गीता उपदेश स्थली है। सन 1985 से 90 के बीच भारत सरकार ने भी साहित्यकारों तथा विद्वानों से पूछा था, क्योंकि तत्कालीन सरकार में ज्यादातर वामपंथी थे और उनकी मंशा भी थी कि वह किस तरह महाभारत और रामायण को काल्पनिक साबित कर सके। विद्वानों ने इसका प्रमाणिक जवाब दिया, परंतु वह जवाब सार्वजनिक नहीं किए गए। विद्वानों ने जो सबसे बड़ा प्रमाण दिया वह है वटवृक्ष। विद्वानों के अनुसार बाहरी आक्रमणों से हमारा अधिकतर साहित्य जल गया, मंदिरों का रिकॉर्ड भी नष्ट कर दिया गया। ज्योतिसर तीर्थ के पूर्व महंत स्वामी हरानंद ने इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के वैज्ञानिकों को बुलाकर रिसर्च कराई, और वह वैज्ञानिक दावा करते हैं कि यह वटवृक्ष 5,000 वर्ष पुराने वृक्ष का ही वंशज है। गीता में उल्लेख भी है कि गीता का उपदेश वटवृक्ष के पास हुआ और वह समय काल भी 5,000 वर्ष ही पुराना है। इसके साथ ही यहाँ पर एक शिव मंदिर भी है। वास्तव में इसका प्राचीन नाम ज्योतिश्वर था, जो बाद में बिगड़कर ज्योतिसर हो गया। यह वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, और यह आज भी मौजूद है। बात करते हैं दूसरे प्रमाण की, भीम के शतरंज की। महाभारत में उल्लेख है कि दुर्योधन के मामा शकुनी ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण करवाया था, परंतु यह जानकारी विदुर को भी पता चल गई और उन्होंने एक दूत के माध्यम से यह जानकारी पांडवों को दे दी। लाक्षागृह जलने पर सभी पांडव सुरंग के द्वारा निकल जाते हैं, और उसके बाद वह जिस स्थान पहुंचे वह स्थान है भारतीय राज्य नागालैंड के दीमापुर में। मित्रों, महाभारत काल में यहाँ एक विशाल जंगल हुआ करता था, जहाँ पर हिडिंब नामक राक्षस रहता था। यहीं पर भीम द्वारा हिडिंब राक्षस का वध हुआ, साथ ही उसकी बहन हिडिंबा से विवाह हुआ। हिडिंबा से भीम का एक पुत्र हुआ,
जिसे घटोत्कच कहा जाता है। घटोत्कच बहुत विशाल काय था और इसका अंदाजा यहाँ रखी शतरंज की गोटियों से लगाया जा सकता है। यहाँ के निवासी कहते हैं कि इन गोटियों से भीम तथा उनका पुत्र घटोत्कच शतरंज खेला करते थे। हिडिम्बा वाड़ा में स्थित यह पत्थर से बनी ऊंची ऊंची गोटियाँ पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती हैं। समय चक्र के चलते कुछ गोटियाँ टूट भी चुकी हैं, लेकिन यह गोटियाँ कहाँ से आईं इसके विषय में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। मित्रों, महाभारत युद्ध के समय हिडिम्बा अपने पुत्र घटोत्कच को भीम को सौंपकर हिमाचल की ओर चली गई थी। हिमाचल के मनाली में हिडिम्ब देवी का एक मंदिर भी है। स्थानीय भाषा में इन्हें ढोंगरी देवी कहा जाता है। यहाँ रहने वाली डिमासा जनजाति खुद को हिडिम्बा का ही वंशज मानती है। अब बात करते हैं तीसरे प्रमाण की, और वह है जरासंध का अखाड़ा। महाभारत में जरासंध का उल्लेख क्रूर शासकों में है। जरासंध ने 99 राजाओं को पराजित करके उन्हें बंदी बना लिया था तथा उनकी बलि चढ़ाने के लिए कैद करके रखा हुआ था। जरासंध की यह भयावह योजना को समाप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भीम को सलाह दी कि वह जरासंध से मल्लयुद्ध करके उसे मार दे और बंदी राजाओं को छुड़ा ले। कहते हैं कि भीम जरासंध को उसी के अखाड़े में मल्लयुद्ध करके उसका वध कर देते हैं। जरासंध का वह अखाड़ा बिहार राज्य के नालंदा के राजगीर में आज भी मौजूद है। मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ आज भी कुश्ती का आयोजन होता है, जिसमें कई राज्यों के पहलवान अपना दांव लगाने के लिए आते हैं। कहते हैं कि जरासंध अपने अखाड़े की मिट्टी में दूध डाला करता था, इसीलिए इस अखाड़े की मिट्टी आज भी भुरभुरी है। बिहार सरकार की अनदेखी तथा उचित रखरखाव न होने के कारण अब यह अखाड़ा धीरे धीरे अपने विलुप्ति की ओर है और एक टीले में परिवर्तित हो रहा है। इसी तरह हमारी उदासीनता व अज्ञानता के कारण हमारे धर्म ग्रंथों की भी उपेक्षा की जा रही। यदि यह धर्म ग्रंथ न होते तो आज सनातन संस्कृति बिल्कुल नष्ट हो गई होती। हमारे पास धर्म ग्रंथों के साथ साथ प्रमाणिक स्थल तथा पुरातात्विक अवशेष होते हुए भी अनेक अधर्मी सवाल खड़ा करते रहते हैं। इसलिए मित्रों, निवेदन है कि अपने धर्म ग्रंथों का विधिवत अध्ययन करें व आस्था रखें, साथ ही अधर्मियों को यथासंभव उत्तर देते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।